सब्सक्राइब करें विनोद की रसोई चैनल को, बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास फौरन पहुंच जाए। नमस्कार, विनोद की रसोई में आपका स्वागत है। आइए आज हम बनाने जा रहे हैं बाकले की सब्जी। बाकला एक तरह की ये सेम होता है, इस तरह इसको सेम भी बोल सकते हैं, और ये बाकला एक तरह की बहुत बढ़िया सब्जी होती है और कुछ इस तरह की, और इसकी सब्जी बहुत ही बढ़िया बनती है और इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है मगर सब्जी इसकी बनाएंगे, आपको आप बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगी खाने में। और इसको आप इस तरह करके आप बगल से इस तरह चीरें, इसकी जो नस होती है किनारे की इस तरह निकाल देंगे और इसको आप तोड़ लेंगे, और इसमें बीज बहुत होती हैं और जो खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है इस तरह, और इसको बाकला सेम बोलते हैं। और सभी हम सेम को यानी बाकला को तो इस तरह छील के हाथ से टुकड़े कर लेंगे या चाकू से इसको काट लेंगे। हमने सभी बाकलों को इस तरह टुकड़ों में काट लिया है और इसको आप हाथ से तोड़ेंगे तो सही रहेगा, इसलिए कि चाकू से काटने से इसके बीजे हमारे कट जाएंगे। तो आप इनको इस तरह काट लीजिए। ये हमारे करीब 250 ग्राम बाकला है, और 250 ग्राम बाकला में हम करीब 2 आलू छोटे डालेंगे, और इसमें आलू ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है तो हमने छोटे टुकड़ों में आलू को काट लिया है। हम बाकले की सब्जी को थोड़ा मसालेदार बनाएंगे तो इसलिए हमने इसमें करीब एक बड़ा प्याज काटा हुआ और 5 से 6 लहसुन कलियाँ की, इसको हमने टुकड़ों में काट लिया है। और मसालेदार बाकला बनाने के लिए मसाले हमें चाहिए 1/2 चम्मच हमारा लाल मिर्च पाउडर है, आप कम या ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं, 1/2 चम्मच से भी कम गरम मसाला है, और 1/2 चम्मच हमारा कुछ ज़्यादा हमारा धनिया है पिसा हुआ, और 1/2 चम्मच हमारा लाल हल्दी है, जीरा है 1/2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, और हम 2 चुटकी हींग लेंगे और रिफाइंड ऑयल। सब आइए बनाना शुरू करते हैं बाकले की सब्जी। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम जीरा डाल देंगे और जीरे के संग में इसमें प्याज और कटा हुआ लहसुन डाल देंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे, और संग में इसमें हम हींग डाल देंगे। प्याज पक चुका है और अब इसमें मसाले डाल देंगे। मसाले हमने सारे मसाले डाल दिए, हल्दी मिर्च धनिया और गरम मसाला, और इसको हल्का सा भून लेंगे। और इसमें हम आलू डाल देंगे। वैसे तो ये मसाले नहीं बना रहे हैं, आप इसको सिंपल नहीं बना सकते, इसमें सिर्फ लहसुन जीरा और मिर्च और नमक डाल के इसको बना सकते हैं, मगर ये हम मसाले नहीं बना रहे हैं, और मसाले भी बहुत बढ़िया लगते हैं सब्जी खाने में। और देखिए हमने इन बाकला सेम है जो हमारी, तो हमने बाकले को हाथ से ही टुकड़े किए जिससे इनके बीज खराब नहीं हुए और बीज इनके बहुत बढ़िया लगते हैं खाने में, और इसको हम मिक्स कर लेंगे और संग में ही नमक डाल देंगे। नमक हमने करीब 1/2 चम्मच डाला है, और आप चाहे तो अपने स्वाद अनुसार डालें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम ढक देंगे। हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और ये हम सूखी सब्जी बना रहे हैं तो इसलिए आलू आप छोटे टुकड़े काटें, क्योंकि इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करेंगे, और इसको हम धीमी आंच पे बिल्कुल धीमी आंच पे इसको हम पकाएंगे, और इसको हम ढक देंगे और इसको हम पकने देंगे, और इसको हम खोल के ढक्कन से चेक कर लेंगे। और इसको चला भी लेंगे, और सब्जी बनने में करीब 5 से 6 मिनट और लगेंगे, इसको एक बार हम ढक देंगे और इसको हम पकने देंगे। फिर
की हमारी मिसल की पक जाएगी। अब आठ हम भून के तेज करेंगे और सूखने जाकर करीब दो से तीन मिनट और भूनेंगे, जिससे हमारी सब्जी अच्छे से भून जाएगी और खाने में बढ़िया लगेगी। और एक बार हम चेक कर देंगे, आलू हमारे हो गए और इनको हम और सब्जी को हमें भूनते हुए करीब एक से दो मिनट हो गए हैं और सब्जी भी हमारी काफ़ी भून गई है और आलू भी इसके बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। और इस सब्जी को जितना अच्छा भूनेंगे मीठी सब्जी बनेगी और इसके बीच जो अंतर है बहुत बढ़िया लगते हैं खाने में। आप इसको दाल चावल या रोटी या पराठे से उसको देख खाएँ और ये सब्जी बहुत ही बढ़िया बनती है। आप इसको एक बार ट्राई जरूर करें। हम गैस ऑफ कर देंगे और हम सब्जी निकाल लेंगे। लीजिए बनकर तैयार है मसाले वाली बाकली और आलू की सूखी सब्जी। आप इसे एक बार ट्राई जरूर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।